दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, ओमान चांडी, तरुण गोगोई, हरीश रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तैयार किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित सभी आला नेता इस बैठक में मौजूद रहे और पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में इस घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए सभी आला नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस की कर्ता धर्ता सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल रहे। इस बैठक के माध्यम से घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रीत, इस बैठक में सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ज्योति, बैठक अभी लगभग समाप्त हो चुकी है। तमाम जो चर्चाएं हुई वो अब खत्म हो चुकी है। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कल घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी लोकसभा का जारी कर देगी और केंद्रीय पार्टी के मुख्यालय में ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से राज्यों के मुद्दों के साथ में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो इस बैठक में एक और बात ये रही कि किस तरीके से गठबंधन पार्टी अलग अलग राज्यों में करे, किस तरीके से अन्य दलों के साथ मिलकर के पार्टी चुनाव प्रचार की रणनीति बनाए, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे BJP को घेरने के लिए। यही वजह है कि राहुल गांधी ने PWC बैठक में पहुंचने से पहले अपने आवास पे एक अलग से कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। गठबंधन को लेकर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन एक बार करने के लिए सहमत हो सकती है। इस तरीके से साथ ही UP में बसपा और सपा से कांग्रेस के किस तरीके से जो है रणनीति तैयार की जाएगी, इस पर भी PWC बैठक में चर्चा की गई। जी जी प्रीत, ये बात हो गई घोषणा पत्र की, लेकिन प्रीत जिस तरह से कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट का नाम भी शामिल है। जी बिल्कुल, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट केवल राजस्थान ही नहीं UP में, और जिस तरीके से संगठन महामंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, तो उनकी अन्य राज्यों में जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए या कर्नाटक में बात की जाए, जहाँ पे राजस्थान के प्रवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी ये लोग मतलब जो है प्रचार करेंगे, मुख्यमंत्री खुद और सचिन पायलट खुद। और जिस तरीके से आज इस बैठक में चर्चा गई तो प्रचार प्रसार को लेकर भी एक रणनीति तैयार की गई कि कौन से नेता किस मुद्दे को लेकर किस किस राज्य में जाएंगे और क्या कुछ किस राज्य की क्या कुछ पार्टी की रणनीति रहेगी। जी और प्रीत, जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है लोकसभा चुनाव को लेकर, 26 तारीख को एक दिवसीय प्रस्तावित दौरा है राहुल गांधी का, और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार करना। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार करना, यही वजह है कि खुद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट आज शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं। देर शाम दिल्ली पहुंचकर खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ एक बार रात में बैठक करके, और कल जिस तरीके से राहुल गांधी का प्रदेश में दौरा प्रस्तावित है उसको लेकर राहुल गांधी के साथ राजस्थान के लिए दौरे के लिए रवाना होंगे। जी जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें दिल्ली में पार्टी के घोषणा पत्र के लिए बैठक की गई और इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया।